टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सीजन की शुरुआत से ही किसान सोयाबीन की रिकॉर्ड कीमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोयाबीन के भाव पूरे सीजन में सामान्य रहे। किसानों ने उम्मीद जताई थी कि उत्पादन में गिरावट से उन्हें अच्छी दर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाव में गिरावट देख किसानों ने खरीद सोयाबीन संग्रहित किए थे। इसके अलावा कुछ किसानों ने गर्मी के मौसम में भी सोयाबीन की खेती की थी, जिससे उन्हें इसका अच्छा उत्पादन मिला। वहीं सोयाबीन के अंतिम चरण में बाजार में इसकी आवक थमने का नाम नहीं ले रही है। आवक बढ़ने से सोयाबीन की कीमतों में पिछले 15 दिनों से गिरावट आ रही है। सोयाबीन ही नहीं, अरहर और चने की भी यही स्थिति बनी हुई है। वहीं सीजन के आखिरी चरण में कीमतों में गिरावट का खामियाजा किसानों को और भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं लातूर मंडी में सोयाबीन एक महीने में 7,300 रुपए से घटकर 6,750 रुपए पर आ गए हैं, जबकि अमरावती जिले में ये 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पे ये मिल रहे हैं। वहीं दाम दिन पे दिन घट रहे हैं, इसलिए किसान आश्चर्य हैं कि संग्रहित सोयाबीन के साथ क्या करना ठीक रहेगा। वहीं गिरती कीमतों के चलते किसानों ने भंडारण पर जोर दिया था, क्योंकि सोयाबीन को कितने दिन भी रखा जाए इसकी गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। इसलिए किसान भविष्य में रिकॉर्ड रेट मिलने की उम्मीद में बिक्री के बजाय भंडारण पर ध्यान दे रहे थे। वहीं किसानों को लग रहा था कि भविष्य में सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपये तक जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की नीतियों और घटती मांग का सीधा असर सोयाबीन की कीमतों पर पड़ा है और कीमतें बढ़ने की बजाय घटने लगी हैं। फिलहाल सोयाबीन की कीमत 6,750 है, जबकि अरहर और चने की कीमत गारंटी रेट से भी कम है। किसानों ने सोयाबीन और कपास का भंडारण किया है। कपास में रिकॉर्ड रेट तो मिला, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वहीं सोयाबीन, अरहर और चने की कीमतों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन मंडियों में आवक अभी भी जारी है। वहीं खरीफ का मौसम नजदीक आ रहा है और गर्मियों में सोयाबीन की आवक बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए किसान अपनी उपज को जल्द बेचना चाहते हैं। वहीं लातूर मंडी में सोयाबीन भाव 6,750 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद मंडियों में 2,000 से अधिक बोरी सोयाबीन की आवक हो रही है। तो ये थी बात सोयाबीन की, कि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट जो है वो जारी है। वहीं सोयाबीन के जो दाम हैं अब 7,300 रुपए से ये 6,750 पर आ गए हैं। वहीं अमरावती जिले में जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ 5,400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव अभी मिल रहा है, बावजूद इसके मंडी में सोयाबीन की आवक बरकरार बनी हुई है। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।